देख रहे हैं सच दर्शन। जहां जाट समुदाय की मांगों को लेकर दिल्ली में जाट नेताओं और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की एक विशेष मीटिंग होनी थी, ऐसे में अचानक मुख्यमंत्री का बिना मीटिंग लिए ही दिल्ली से चले जाना जाट समुदाय के लोगों की मांग को अनदेखा करना जैसा था, जिसके चलते जाट समुदाय के नेताओं ने मीटिंग का बहिष्कार कर मीटिंग को कैंसिल कर दिया और आउटर दिल्ली के नांगलोई इलाके में जाट समुदाय के सैकड़ों लोगों ने आगे की रणनीतियों को लेकर एक विशेष मीटिंग की, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ होने वाली मीटिंग को रद्द करके जाट समुदाय के लोगों ने आगे की आंदोलन नीतियां बनाते हुए आने वाली 20 तारीख को पूरे देश में विशाल रैली करने का फैसला लिया और सिंधु बॉर्डर पर एक विशाल धरना प्रदर्शन करने की बात कही, जहाँ दिल्ली समेत दूसरे राज्यों से भी हजारों की संख्या में जाट समुदाय के लोग वहाँ पहुँचेंगे। सरकार की गैर जिम्मेदारी हरकत की वजह से पेश की गई। कल ये तय हुआ था, कुछ टेक्निकल पॉइंट्स थे, कुछ बातें रह गई थी समझौते में अधूरी, जिनको मुख्यमंत्री ही क्लियर कर सकते थे। और आज मुख्यमंत्री का इतने बड़े आंदोलन के बावजूद भी दिल्ली से चले जाना और हमें पता ना होना, इसलिए ये मीटिंग कैंसिल की गई। आगे की रणनीति यही है, 20 तारीख को दिल्ली कूच होगा और 20 तारीख को दिल्ली जो हमें ट्रैक्टर ट्रॉली से पहुँचना था वो हम पहुँचेंगे। आगे रणनीति जो है भाई, 20 तारीख का जो ऐलान है वो कायम रहेगा और शांतिपूर्ण रहेगा, और जहाँ पे कहीं सरकार रोकेगी हम अपना वहीं डेरा डाल लेंगे, और रसद का, जलपान का, रोटी पानी का सब हमारी तैयारी है, और दिल्ली की तरफ से भी अपने तैयारी है, जो बाहर से भाई चारा आएगा सबके लिए हम प्रोवाइड कराएंगे, और यहाँ तक भी अगर फोर्स को भी जरूरत पड़ेगी हम उनको भी भोजन कराएंगे, लेकिन अपनी मांगों को लेकर के हम रोड पे बैठेंगे भाई। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली का 20 लाख जाट भी जो है बिल्कुल उफान में है। अब भाई कुछ भी हो, आर पार की हो, फिर मूंछ की लड़ाई है, बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से गांधी जी की तरह, जैसे गांधी जी नोट में बैठे, ऐसी शांति के साथ देश के सर्वोच्च पदों पे सम्मान के साथ इस देश में जाट रहना पसंद करता है। फिलहाल जाट नेताओं की मीटिंग कई घंटों तक चली और बाद में सभी जाट नेता हरियाणा के लिए निकले, जहां अलग अलग जगहों पर मीटिंग कर आगे की रणनीति के तहत सरकार को घेरने की योजनाएं तैयार की जाएगी। दिल्ली के नांगलोई इलाके से ब्यूरो रिपोर्ट, सच दर्शन।